हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नो बैडी चैनल और मैं हूं विकास। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज मैं एक हेडफोन का रिव्यू लेके आपके पास आया हूं, लेकिन इसको शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा बाकी वीडियोस की तरह भी मेरा ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड या कोई पेड वीडियो नहीं है। ये उसी प्रोडक्ट का वीडियो है जिसको मैं लगभग अभी 3 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा खुद का खरीदा हुआ है फ्लिपकार्ट से। मैं आपको बता दूँ, ये प्रोडक्ट है बोट का बेस हेड, एक्स्ट्रा बेस हेड 220 मॉडल का इन ईयर हेडफोन। अगर पैकेट के तरफ देखूँ तो पैकेट में यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है 999, लगभग 1000 रुपये। लेकिन मैंने ये फ्लिपकार्ट में सेल के दौरान तकरीबन 549 रुपीज़ का ख़रीदा हूँ, लगभग 550 रुपये का। ये एक मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। ये कंपनी बोट जो है ये चाइनीज़ कंपनी है जिसे इम्पोर्ट एवं मार्केट करती है आई इमेजिन नाम की एक कंपनी इंडिया की। पैकेट में अगर देखूँ तो यहाँ पे पैकेट का स्पेसिफिकेशन के हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ, ये जो हेडफोन है ये टैंगल फ्री, बिल्ड क्वालिटी अगर देख ले तो ये टैंगल फ्री वायर से बना हुआ है जो कि फ्लैट वायर है। लेकिन मेरे पर्सनल यूज़ में मैंने देखा हूँ कि ये टैंगल हो जाता है, लेकिन ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत अगर आप अपने जीन्स में टाइट कर पॉकेट में इसको रखे हुए काफ़ी देर से तो निकालते वक्त ये थोड़ा टैंगल हो जाता है, थोड़ा उलझ जाता है। बिल्ड क्वालिटी की तरफ अगर मैं ध्यान दूँ तो ये गोल्ड प्लेटेड टिप है, 550 रुपये में भी अगर आपको गोल्ड प्लेटेड टिप मिल रहा है तो ये बहुत ही फ़ायदे का बात है, बहुत ही आप कहेंगे कि खुशी का बात है कि ये आपको गोल्ड प्लेटेड मिल जा रहा है। जो बहुत बढ़िया चीज़ है वो ये कि इसका टिप प्लास्टिक का नहीं है, यहाँ पे मेटल का हेड से इसको सील किया गया है और यहाँ पे भी बेसेट का एक ब्रांडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे बेसेट लिखा हुआ है जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। एवं ये एंगुलर पिन है जो मुझे काफ़ी फ़ायदेमंद लगा जब मेरा फ़ोन मेरे बेड पे या फिर मेरे टेबल में रहता है तो ये एंगल होने के कारण ये आपका फ्लैट रहता है टेबल के साथ और सुविधा भी रहता है कि ये निकालते वक्त भी इसको आप पुश जब फोन्स के जैक से इसको निकालते हैं तो भी आप उसको यहाँ पे एक अच्छा ग्रिप मिल जाता है। मुझे ये फ्लैट एंगुलर डिज़ाइन इसका काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जहाँ से ये दोनों वायर स्प्लिट हो रहे हैं लेफ्ट और राइट हेडफोन के तरफ, वहाँ पे ये मेटल का एक कनेक्टर दिया हुआ है। ये मेटल पूरा मेटल से बना हुआ है, यहाँ पे भी आपका बोट लिखा हुआ है एवं यहाँ पे लिखा हुआ है प्लग इन निर्वाणा। तो काफ़ी कॉस्मेटिक इसमें खूबियों को बढ़ाया गया है कॉस्मेटिक वे में, ताकि ये देखने में भले ही ये थोड़ा चीप हो, 550 रुपये का आता हो, लेकिन देखने में ये प्रीमियम लगता है। बहुत ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी आपको देख के कोई ये बोलेगा नहीं कि ये 550 रुपये का एक चीप हेडफोन है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका कंट्रोल स्विच जो कि सिंगल बटन कंट्रोल स्विच है, लेकिन आप इससे प्ले पॉज कर सकते हैं। अगर आप सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो पॉज हो जाएगा, फिर सिंगल क्लिक कर रहे हैं तो प्ले हो जाएगा, डबल क्लिक कर रहे हैं तो फॉरवर्ड होगा म्यूजिक और ट्रिपल क्लिक कर रहे हैं तो बैकवर्ड होगा। तो आप इसको फुल कंट्रोल आपका मिल जाता है यहाँ पे एक माइक भी है, माइक का ग्रिल आपको दिखेगा नहीं तो आप इससे कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। अब चले आते हैं इसके सबसे ऊपर और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसका हेडफोन। यहाँ पे मैं बता दूँ, यहाँ पे मैंने 2 रबड़ क्लिप यूज़ किया हूँ जो इसके साथ आने वाले अटैचमेंट के साथ आता है। यहाँ पे आप अटैचमेंट देख सकते हैं, इस अटैचमेंट में आपको टोटल 3 जोड़े आपको हेडफोन ईयरबड मिल जाएंगे, प्लस एक क्लिप भी आपको मिल जाएगा जिसको यूज़ करके आप इसे अपने शर्ट या टी शर्ट में ड्यूरिंग वर्कआउट या ड्यूरिंग बिजी शेड्यूल आप इसको लगा के रख सकते हैं ताकि ये आपके कान से स्लिप ना हो जाए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि इसका जो ये ड्रम है, जो ईयर ड्रम है पीछे का, ये मेटल का बना हुआ है, पॉलिश्ड मेटल है, जिसके कारण ये प्लास्टिक के हेडफोन से काफ़ी ज़्यादा भारी है। इसलिए एक प्रॉब्लम जो मुझे फेस हो रहा है कि अगर मैं बिना ईयर क्लिप का इसको कान में लगाऊं तो थोड़ी देर बाद ये खुल के गिर जाता था, थोड़ी देर बाद मतलब लगभग 15-20 मिनट यूज़ करने के बाद, थोड़ा इधर उधर मूव करने के बाद ये खुल के गिर जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा होगा अगर आप ये जो क्लिप इसके साथ आता है, जो ईयर क्लिप इसके साथ आता है, आप इसको अटैच कर ले। इसको अटैच करने के लिए आपको ये ईयरबड खोलना होगा, सामने से इसको इंसर्ट करना होगा, फिर ईयरबड लगा देना होगा। ईयरबड लगाने में थोड़ा आपको मशक्कत करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी टाइट है। अब चले आते हैं इसका मेन बात, जो मेन फीडबैक मैं देना चाहूँगा वो है अबाउट म्यूज़िक क्वालिटी, कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है। तो एक्सपीरियंस का बात अगर मैं करूँ तो मैं बोलूँगा कि अगर आप बेस लवर है
तो आपके लिए परफेक्ट हेडफोन है। इसमें बहुत ज़्यादा बेस है, इन ईयर हेडफोन के हिसाब से इतना ज़्यादा बेस एक हेडफोन में होना बहुत बड़ा बात है। मैं इसका तुलना करना चाहूँगा, लगभग 10 साल पहले मेरे पास सोनी का वॉकमैन 700i था, W700i, वैसा हेडफोन और वैसा म्यूज़िक क्वालिटी मुझे आज तक किसी फ़ोन में और कभी मिला नहीं। लेकिन उसमें जो मेगा बास था उसको जब साउंड ऑन किया जाता था तो जैसा थम्पिंग एक बेस मिलता था, इसमें काफ़ी हद तक वैसा मिल जाता है। वैसा क्वालिटी तो नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक वैसा बेस आपको मिल जाएगा। जहाँ तक बात करता हूँ म्यूज़िक का, तो आप इसमें हैवी मेटल, मेटल, जैज़, रॉक म्यूज़िक बहुत अच्छा लगेगा आपको। लेकिन अगर आप क्लासिकल या फिर इंस्ट्रूमेंटल सुन रहे हैं, वो भी लाइट इंस्ट्रूमेंटल, तो थोड़ा आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा क्योंकि इसमें वोकल उतना अच्छा नहीं है। वोकल के मामले में ये एक्चुअली वोकल के मामले में अच्छा नहीं बोलने से ही मतलब ये है कि इसका बेस इतना ज़्यादा है कि कभी कभार जो वॉइस है उसको ये सप्रेस कर देता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप म्यूज़िक देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, म्यूजिक सुन रहे हैं, हैवी म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया हूँ कि जब मैं अपना डाउनलोड किया हुआ म्यूजिक एवं मूवीज़ अपने फ़ोन या टैबलेट से सुनता हूँ, तब मुझे इसमें अमेजिंग बेस इफेक्ट मिलता है, बहुत बढ़िया बेस इफेक्ट मिलता है। लेकिन जब यूट्यूब में सुनता हूँ तो इसका बेस थोड़ा गिर जाता है, मतलब नॉर्मल हेडफोन से ज़्यादा है बेस, लेकिन इसकी खुद के तुलना में जब मैं खुद का डाउनलोड किया हुआ वीडियो के तुलना में इसको जब कंपेयर करूँगा तो तब यूट्यूब में इसका बेस मुझे थोड़ा कम मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड किए हुए वीडियोस एवं म्यूज़िक सुन रहे हैं, स्पेशली जो 320 या 320 kbps वाला म्यूज़िक है, वो तो बहुत ही बढ़िया है, इसमें आप माइंड ब्लोइंग है, आप बहुत एंजॉय करेंगे। तो मैं बता दूँ, ये था मेरा खुद का यूज़र एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको थोड़ा मदद मिला हो आपके लिए हेडफोन सेलेक्ट करने में, तो मेरा ये वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टेक्नोबैडी को। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो है मेरा ये जो मी बैंड है, फिटनेस बैंड, इसको लेके जो मैं लगभग 10-12 दिन पहले ख़रीदा था बिग बिलियन डे सेल में। अभी 10-12 दिन तो नहीं, 5-6 दिन, हाँ वैसा ही होगा, 10-12 दिन, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ लगभग 15-20 दिन और, तो मैं आपको एक अच्छी फीडबैक दे पाऊँगा कि ये कैसा है। तो जानने के लिए आप मेरे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा फॉलो कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाइए ताकि आपको नया वीडियोज़ हमेशा मिलते रहे। तो ये है मेरा आज के लिए, आप लोग खुश रहिए, जय हिंद। मैं बोलना चाहूँगा दशमी, विजयदशमी की शुभकामनाएँ सबको, एवं आने वाले दिवाली के लिए भी आपको बधाइयाँ हों, और जो अमृतसर में दुर्घटना हुआ उसके लिए हम सभी उन परिजनों को जो मारे गए हैं उनके लिए दुख व्यक्त करते हैं, एवं उनके परिजनों को के प्रति सहानुभूति मैं अपना बता रहा हूँ। मेरा चैनल को देखने के लिए शुक्रिया। इट्स विकास साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आपका दिन अच्छा बीते।